सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल तो आप हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा शो जिसमें होंगी देश भर की सौ बड़ी खबरें तो शुरू करते हैं सारा देश सौ खबरें भारत ने कल बांग्लादेश पर शानदार जीत दर्ज फाइनल की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है जीत के बाद कप्तान धोनी ने कहा की टीम ऐसे ही खेलेगी और फाइनल भी जीतेगी धोनी ने कहा कि चाहे हमने पहले बैटिंग की हो या फिर बाद में हमने अच्छे ढंग से रन बनाए और जब तक हम अच्छा रन बना रहे हैं और विकेट ले रहे हैं ये हमारे लिए अच्छा रहेगा बांग्लादेश को हराने के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में जीत का शतक पूरा कर लिया है धोनी ने उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे और भारत के पहले कप्तान हैं धोनी की कप्तानी में खेले 177 मैचों में टीम ने 100 मैच जीते हैं धोनी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग और एलन बॉर्डर कप्तान के रूप में 100 से अधिक मैचों में जीत दर्ज कर चुके हैं सेमीफाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला किससे होगा इस बात का फैसला आज हो जाएगा आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा और जीतने वाली टीम टीम इंडिया से सेमीफाइनल में भिड़ेगी बांग्लादेश पर जीत दर्ज कराने का दारोमदार मिला रोहित शर्मा के शानदार शतक और रैना के जोरदार अर्धशतक को जिसके बदौलत भारत ने 302 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया बांग्लादेश को वहीं रनों का पीछा करते हुए बांग्लादेश महज एक रनों पर ढेर हो गई भारतीय जीते और यहां पर हीरो रहे इस जीत के रोहित शर्मा जिन्होंने 126 गेंदों में शानदार एक रन बनाए जिसमें 14 चौके और तीन छक्के भी शामिल थे रोहित के करियर का यह सातवां शतक है भारतीय जीत में अहम भूमिका निभाने वाले रैना जब रोहित शर्मा का साथ देने उतरे उस वक्त टीम इंडिया ने 115 रन पर तीन विकेट खो दिए थे लेकिन रैना ने रोहित के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला रैना ने सत्तावन गेंदों पर पैंसठ रन बनाए जिसमें सात चौके और एक छक्का जड़ा रैना ने रोहित के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए पंद्रह ओवर में एक रन जोड़े विश्व कप में भारतीय गेंदबाजी की धार के आगे कई टीमों के बाद बांग्लादेश की टीम भी धाराशाही हो गई टीम इंडिया के गेंदबाजों के आगे बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज ठहर नहीं सका और लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे गेंदबाजी के हीरो रहे तेज गेंदबाज उमेश यादव उमेश ने 9 ओवर में 31 रन देकर चार विकेट चक्के वहीं मोहम्मद शमी को दो मोहित शर्मा को एक और रविन्द्र जडेजा को दो विकेट मिले भारतीय टीम के विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में खुशी का इजहार करते हुए देश भर में जश्न मनाया गया देश की राजधानी से लेकर देश के हर हिस्से में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और खुशियां मनाई देश भर में जश्न मना रहा हर कोई यहां पर खिलाड़ियों को बधाई दे रहा था और खासकर करके खिलाड़ियों के परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई भारत की जीत और रैना के शानदार बल्लेबाजी पर रैना के घर के बाहर भी जश्न मनाया गया ऑस्ट्रेलिया में मौजूद भारतीय टीम के फैन जीत की खुशी के नारे लगाते हुए सड़कों पर नजर आए लोगों ने नारे लगाते हुए कहा कि अब तो ये नारा है वर्ल्ड कप हमारा है न्यूज रूम में भारत की जीत का जश्न धूमधाम से मनाया गया हमारे साथी पत्रकारों और पूर्व क्रिकेटर भी जमकर ढोल नगाड़ों पर झूमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी यहां पर बधाई दी गई है पीएमओ ने लिखा है कि शानदार खेल शानदार प्रदर्शन और एक बार फिर बधाई हो टीम इंडिया पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर कहा है कि जबरदस्त ऑलराउंड प्रदर्शन टीम इंडिया इसे दो और मैचों तक जारी रखो मैदान पर टीम का एटीट्यूड देखकर अच्छा लगा विश्व कप में टीम इंडिया ने लगातार सात विरोधी टीमों को ऑल आउट कर नया रिकॉर्ड बना लिया है जबकि वहां कोई भी विरोधी टीम भारत के ऑल आउट नहीं कर पाई है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली वालों को महंगाई का पहला झटका दिया है अरविंद सरकार ने पानी की कीमत में 10 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है सरकार के मुताबिक बीस हजार लीटर तक पानी पहले की तरह मुफ्त मिलेगा लेकिन उससे ज्यादा पानी खर्च करने वालों को बढ़ी हुई कीमत चुकानी पड़ेगी दिल्ली के लोगों को अब एक किलो लीटर के लिए इक्कीस रूपए देने होंगे पहले उन्नीस रूपए देने पड़ते थे दिल्ली सरकार का कहना है कि जल बोर्ड के घाटे को देखते हुए पानी की दरें बढ़ानी पड़ी हैं सरकार के मुताबिक इस साल फरवरी तक दिल्ली जल बोर्ड का घाटा बढ़कर तीन करोड़ रूपए तक पहुंच गया है पानी की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली की जनता में मिलीजुली राय है उधर बीजेपी ने इसे जनता के साथ धोखा करार दिया है जबकि कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी के वादे झूठे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि उनकी सरकार जो बीस हजार लीटर पानी मुफ्त दे रही है लोग उसका प्रबंधन ठीक से करें उनका कहना है कि ज्यादा पानी खर्च करेंगे तो ज्यादा बिल देना पड़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एनडीएमसी के सदस्य के तौर पर आज शपथ लेंगे विधायक सुरेंद्र सिंह को भी सदस्य बनाया है। गया है गुरुवार को आईएस डी के रवि का अंतिम संस्कार किया गया डीके रवि की लाश असंिग्ध परिस्थितियों में उनके ही फ्लैट से मिली है मैंगलुरु में आई एस डी के रवि की संदिग्ध मौत का मुद्दा गुरुवार को लोकसभा में भी गुंजा सदन में जवाब देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर राज्य सरकार मांग करती है तो केंद्र सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार है कर्नाटक विधानसभा में विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया जिसके चलते विधानसभा स्थगित करनी पड़ी विपक्ष सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा हुआ है इसे लेकर उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा कर्नाटक सरकार सीबीआई जांच से इनकार कर चुकी है फैसले के विरोध में कई पार्टियां सड़क पर उतर आई हैं राज्य के कई शहरों में बीजेपी आप और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया आज लोकसभा में मोदी सरकार अकालेधन पर बिल पेश कर सकती है इस बिल को मंगलवार को कैबिनेट ने पास किया था बिल में कालाधन रखने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान है केंद्र सरकार के इस बिल में कालेधन रखने वालों को 10 लाख तक की सजा का प्रावधान है इसके अलावा 300 फीसदी जुर्माने का भी प्रावधान है आज फिर राज्यसभा में माइंस और मिनरल बिल पेश किया जाएगा गुरुवार को राज्यसभा में कांग्रेस ने जमकर इसका विरोध किया अगर आज ये बिल पास नहीं हुआ तो सरकार सदन के सेशन को बढ़ा सकती है टीएमसी बीजेडी एसपी और एनसीपी का कहना है कि वो इस बिल के पक्ष में मतदान करेंगे यह बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हुआ था भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के साथ गतिरोध को दूर करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को सौंपी है गडकरी ने सोनिया गांधी अन्ना हजारे समेत दस दलों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी है भूमि अधिग्रहण बिल पर गडकरी ने चिट्ठी लिखकर विपक्ष को कई भरोसे दिए हैं चिट्ठी में गडकरी ने लिखा है कि सरकार पुनर्वास और मुआवजे से कोई समझौता नहीं करेगी जमीन मालिक के अलावा उस पर निर्भर लोग भी मुआवजे के हकदार होंगे पूरा मुआवजा मिलने के बाद ही विस्थापन होगा जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर गुरुवार को भी राज्यसभा में हंगामा हुआ यहाँ पे विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा करते हुए कहा है कि बिल किसान विरोधी है तमिलनाडु में करुणा निधि की पार्टी डीएमके भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ आज पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी यही नहीं पार्टी भूमि अधिग्रहण बिल को जयललिता सरकार के समर्थन का भी विरोध करेगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज राजस्थान जाएंगी यहां वो कोटा में भारी बारिश और ओले गिरने से हुए फसल के नुकसान का जायजा लेंगी और किसानों से मिलेंगी सोनिया सुबह ग्यारह बजे कोटा पहुंचेंगी। राजस्थान में किसानों को हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए केंद्र सरकार भी अपनी एक विशेष टीम भेज सकती है मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चिट्ठी के जवाब में सरकार को भरोसा दिया कि केंद्र हर संभव मदद करेगा राजस्थान सरकार आज से अपने किसानों को उनके खराब हुई फसल का मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करेगी राज्य में बारिश और ओले की वजह से पचास से अधिक फसल बर्बाद हो चुकी है कई राज्यों में बर्बाद हुई फसल का मुआवजा यहां पे दिया जाएगा लेकिन इसका मुजा पुरजोर तरीके से राज्यसभा में उठा एसपी सांसद रामगोपाल यादव और बीएसपी सांसद मायावती ने मांग की है कि राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार भी किसानों को मुआवजा दे राज्यसभा में शिवसेना ने मांग की है कि महाराष्ट्र में किसानों के बिजली के बिल और बच्चों की फीस माफ कर दी जाए जबकि कांग्रेस ने मांग की है कि फसल के नुकसान का जल्द से जल्द आंकलन कर उचित मुआवजा दिया जाए बारिश और ओले से किसानों को हुए नुकसान पर विपक्ष और सहयोगियों की चिंता का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने हर संभव मदद का भरोसा दिया अरुण जेटली ने कहा कि कृषि विभाग ने नुकसान के आंकलन के लिए अलग अलग टीमें गठित की हैं। जयपुर में काउंटर टेररिज्म पर आयोजित तीन दिन के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जताया कि आतंकवाद की कोई सरहद नहीं होती और वो किसी को नहीं पहचानता गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईसीएस जैसे संगठनों का भारत में जोर नहीं है और वह भारतीय नौजवानों को बरगलाने में नाकाम रहा है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज बुलंदशहर में एक अहम बैठक करेंगे इस बैठक में यूपी के सभी अध्यक्षों को बुलाया गया है पार्टी के मुताबिक यहां पे अमित शाह यूपी में सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए यह बैठक करेंगे जहाजरानी मंत्रालय ने आपस में समझौता किया है यह समझौता नदियों में व्यवसायिक यातायात व्यवस्था को बढ़ाना बढ़ावा देने के लिए किया गया है केंद्र सरकार आज निलाम हो चुके तीन कोल ब्लॉक्स के बारे में फैसला कर सकती है ये खदानों पर पहले ही राउंड में बोली लगाई जा चुकी है और इन्हें नीलाम किया जा चुका है लेकिन सरकार ने इसके आबंटन पर रोक लगा दिया है आज राज्यसभा की तीन सीटों पर उपचुनाव होगा ये तीनों सीट महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की हैं इनमें से एक सीट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवड़ा के निधन के बाद खाली हुई है केंद्र सरकार यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए जल्द बड़े कदम उठा सकती है इसी सिलसिले में आज केंद्रीय मंत्री उमा भारती पांच राज्यों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगी आज संसद के मेन गेट पर बिजली की स्पार्किंग की वजह से आग लग गई आग बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचना पड़ा आग से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को अंग्रेजों की औलाद बताया है कांग्रेस ने धमकी दी है कि अगर विज ने माफी नहीं मांगी तो वो सदन नहीं चलने देंगे बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में नकल करने की हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहली तस्वीर बिहार के वैशाली और हाजीपुर जिले से आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है यहाँ कई मंजिल तक चढ़कर नकल कराने वाले परीक्षार्थियों को चिट दिया जा रहा है बिहार के गया और अररिया और खगड़िया और सहरसा समेत कई जगहों से नकल करते परीक्षार्थियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हैरत करने वाली बात यह है कि कई जगह पर पुलिस और टीचरों की मौजूदगी के बावजूद जमकर नकल हो रही है बिहार में परीक्षा में खुलेआम नकल का वीडियो मीडिया में आने के बाद हड़कम मच गया जब चौतरफा आलोचना हुई तो पुलिस प्रशासन हरकत में आया केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी है हालांकि बिहार के शिक्षा मंत्री पी के शाही का कहना है कि सरकार नकल को पूरी तरह से नहीं रोक सकती बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में खुलेआम नकल ने एक बार फिर से नीतीश के सुशासन पर सवाल उठा दिए हैं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रदेश में नकल माफिया हावी है यूपी के मथुरा देवरिया बलिया जालौन हाथरस समेत कई इलाकों में पर्चे लीक होने और नकल होने की शिकायतें आई हैं यूपी के मथुरा में कई छात्रों ने बिना कैमरे पर आए बताया कि उनसे नकल कराने के नाम पर पांच पांच हजार रूपये लिए गए इधर देवरिया में भी छात्र नकल सामग्री के साथ परीक्षा देते हुए देखे गए बलिया में सोशल साइट पर इंटर का रसायन विज्ञान का पेपर लीक कर दिया गया और आंध्र के कुनूल में अनंतपुर हाईवे पर एक ट्रक में 400 सिलेंडर फटने से जबरदस्त ब्लास्ट हुआ ब्लास्ट की दिल दिला देने वाली तस्वीरें सामने आई गनीमत यह रही है कि हाईवे में ट्रैफिक की आवाजाही न के बराबर थी जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया बताया जा रहा है कि ट्रक के इंजन में खराबी से आग लग गई यूपी सरकार में मंत्री आजम खान को लेकर फेसबुक पर पोस्ट शेयर करने वाले छात्र विक्की को एसीजीएम ने बीस हजार के दो मुचलकों पर जमानत दी बारहवीं के छात्र विक्की की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई होगी छात्र की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश पुलिस से सफाई मांगने के लिए कोर्ट में दरखास्त डाली गई है आपको बता दें कि छात्र पर आरोप है कि उसने सोशल साइट पर मिनिस्टर आजम खान के नाम से भड़काऊ पोस्ट किया था चंदे के गबन के आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता और उसके पति की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक बढ़ा दी है सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने सुनवाई को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बेलगाम रफ्तार पर काबू करने के लिए पुलिस अब ई चालान काटेगी अगर कोई वाहन तय सीमा से तेज वाहन चलाएगा तो चालक उसके चलान उसके घर पर पहुंच जाएगा एक्सप्रेसवे पर करीब 46 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है आज से एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहन अगर सौ से ज्यादा की स्पीड पर दौड़ेंगे तो कैमरे की नजर में आएंगे और फिर चलान उनके घर पहुंचेगा एशिया के सबसे बड़ी दिल्ली के नरेला अनाज मंडी में बेमौसम बारिश की वजह से करोड़ों का अनाज सड़ गया है हालत यह हो गई है कि सड़े हुए अनाज में अब अंकुर फूटने लगे हैं मंडी प्रशासन बेमौसम बारिश का रोना रो रहा है और आरोप लगा रहा है कि मंडी में शेड की जरूरत है जिससे कि अनाज को ऐसी स्थिति में बचाया जा सके छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक मकान में आग लगने से पति पत्नी और उनके दो बच्चों समेत यहां पे चार लोगों की मौत हो गई छह लोग जख्मी बताए जा रहे हैं ईटीवी कन्नड के पहले सालगिरह के मौके पर नए ऑफिस का उद्घाटन किया गया खुद सीएम सिद्धरमैया ने इसका उद्घाटन किया इस खास मौके पर ईटीवी के हेड जगदीश चंद्र भी मौजूद रहे अब टीवी कर्नाटा आपको नए रंग में नए डिजाइन और नए तेवर में दिखाई देगा सिद्धरमैया ने कहा है कि ई टीवी कर्नाटक का, का लोकप्रिय चैनल था और हमेशा रहेगा जयपुर की सपना पूनिया हौसले की नई मिसाल बन गई हैं। वो अगस्त में चीन में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारत की दूसरी महिला बनी है पश्चिमी यूपी में लुटेरों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया को उस वक्त लूटा जब वो परिवार के साथ जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस से दिल्ली आ रहे थे लुटेरों ने जयंत मलैया की पत्नी से रुपए और जेवर लूट लिए इस मामले में तीन आरपीएफ कांस्टेबल्स को सस्पेंड किया गया दिल्ली से सटे गुड़गांव में अमरीकी नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया है आरोप है कि अफ्रीकी मूल के एक युवक ने लड़की के साथ सोशल साइट पर दोस्ती की और फिर इस घटना को अंजाम दिया छह महीने पहले ही भारत आई पीड़ित लड़की अमेरिकन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे घुमाने के बहाने ले गया और उसका बलात्कार किया शिकायत मिलने पर पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया जिसमें बलात्कार की पुष्टि होने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है लड़की को आरोपी के घर का पता नहीं है यूपी के फैजाबाद में एक स्कूल पर एक छात्र ने फीस नहीं जमा करने पर सिंह मुंडवाने का आरोप लगाया छात्र का आरोप है कि स्कूल ने उसे और उसकी बहन को परीक्षा में भी बैठने नहीं दिया पुणे में महाराष्ट्र एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर और आई अफसर सावंत को गिरफ्तार कर लिया गया है है सावंत पर इंस्टीट्यूट की छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोप राजस्थान के बूंदी कोटा की रहने वाली दो महिलाओं ने दो लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया महिलाओं के मुताबिक आरोपियों ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उनका बलात्कार किया महिलाओं का आरोप है कि जब वो दुकान से घर लौट रही थीं तब उनका एक अपरिचित शख्स उनका पीछा करने लगा उनको चाय बहाने के पिलाने के बहाने घर ले गया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया मध्य प्रदेश के इंदौर में एक इंजीनियरिंग की छात्रा ने अपने दोस्त पर साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया छात्रा का आरोप है कि उसके दोस्त ने उसका एमएमएस भी बनाया है छात्रा का आरोप है कि एमएमएस वायरल करने की धमकी देने पर आरोपी अपने तीन साथियों के साथ बलात्कार किया और पुलिस ने तीनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है यूपी के लखनऊ में एक हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतरे और मौन सत्याग्रह किया मृतक के बेटे ने लोगों से हथियारों की जानकारी होने पर बताने की अपील की आपको बता दें कि 16 मार्च को अपराधियों ने मनोज सिंह को गोली मारकर 28 लाख की लूट को अंजाम दिया परिवार वालों ने कार्रवाई ना होने पर उग्र विरोध करने की बात कही मुंबई में एक बहादुर लड़की ने एक मंचले को थप्पड़ मारे और पकड़कर पुलिस के हवाले किया बताया जा रहा है कि आरोपी शराब पिए हुए था और लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था जब लड़की कांदीवली स्टेशन से उतरी तब मंच ने भद्दे इशारे किए और उसकी कमर पर हाथ लगाया समझाने पर जब वो नहीं माना तो गुस्साई लड़की ने उसे बालों से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया मोतिहारी से अपहरण पर पांचवी क्लास के छात्र विवेक की हत्या कर दी गई है आरोप है कि बच्चे के टीचर ने ही पैसे के लिए उसकी हत्या की वडोदरा में सट्टेबाजी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है पुलिस ने 10 सट्टेबाजों के पास से 100 मोबाइल फोन और 15 लैपटॉप बरामद किए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने 10 सटोरियों को गिरफ्तार किया है ये लोग भारत बांग्लादेश मैच पर सट्टा लगा रहे थे इलाहाबाद में एक छोटे से विवाद ने दो लोगों की जान ले ली यहां सब्जी के लिए यहां पर झगड़ा हुआ और एक शख्स और उसके बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई इलाहाबाद के ही सिविल लाइंस इलाके में शराबियों ने आपस में मारपीट की पुलिस के मुताबिक आपसी झगड़े में शराबियों ने अपने ही एक साथी के पेट में शराब की बोतल फोड़कर दी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक महिला ने दरोगा पर गंभीर आरोप लगाए महिला के मुताबिक पुलिस चौकी में दरोगा ने चोट के निशान देखने के बहाने उसके कपड़े उतरवाए और उसके साथ अश्लील हरकत की बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने 20 किलो गांजे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया जबकि एक और आरोपी पुलिस चकमा देकर फरार हो गया रणवीर कपूर और अनुष्का शर्मा की फिल्म बॉम्बे वेलवेट का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है अनुराग कश्यप ने ट्विटर पर इसकी पहली झलक भी लॉन्च की अभिषेक चौबे की फिल्म उड़ता पंजाब के लिए अभिनेता शाहिद कपूर ने पंद्रह तरह के लुक ट्राई किए हैं उड़ता पंजाब में शाहिद के साथ आलिया भट्ट हैं गोविंदा और फिल्म निर्देशक डेविड धवन के बीच पांच साल से बोलचाल बंद है गोविंदा का कहना है कि बुरे वक्त में डेविड ने उनका साथ नहीं दिया डांस शो डीआईडी सुपर मॉम्स में गोविंदा जज के रूप में छोटे पर्दे पर दोबारा वापसी कर रहे हैं गोविंदा ने पिछली बार 2001 में टीवी पर गेम शो जीतो छप्पर फाड़ के की एंकरिंग की थी ऑन के लेखक निर्देशक का अभिषेक कपूर ने इस फिल्म के सीक्वल ऑन टू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी है